for the interruption and sending you the screenshot again. तुम्हें याद है मैंने तुम्हें lifting off corporate VL का एक chart भेजा था, remember? Yes ma'am. I'm sure तुम लोगों के पास होगा, लेकिन एक बार फिर से दोबारा दोनों groups पे भेज रही हूँ मैं, ठीक है? Yes ma'am. So that you can refer that again. Did you got that screenshot, bacha? All of yes, you? ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैं इसकी explanation भी भेज दूँ क्या तुम लोगों के पास है? मुझे जरूरत नहीं है, तुम लोगों को जरूरत है दोबारा भेजूँ या तुम लोगों के पास है इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन? भेज दो मैम. अच्छा ठीक है, आई विल सेंड दैट अगेन. I hope you've got the screenshots. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. अब एक बार डिस्कस करना शुरू करते हैं. एक बार पहले मेरी बात सुन लेना, फिर उसके बाद तुम्हारे पास तो टाइम है ही. You can always go through the screenshots later. ठीक है? मैंने पहले भी भेजे थे, अब दोबारा भेजे हैं. You can always go through that. But पहले मेरी बात सुन लेना, कहानी सुनाती हूँ दोबारा से. शुरू से शुरू करते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की कहानी. देखो, वो कह रहे हैं कि ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंपनी के फ्यूचर के साथ डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. और सेपरेट लीगल एंटिटी कहती है बेटा कि भाई तुम अलग हो और कंपनी अलग है. तुम मतलब द मैनेजमेंट इज डिफरेंट और द ओनर्स आर डिफरेंट एंड द कंपनी इज डिफरेंट. ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा तो हो ही सकता है ना कि लोग कंपनी को आगे रख के पीछे से फ्रॉड करे. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो है नहीं, लाइबिलिटी तो लिमिटेड है. तो ऐसी सिचुएशन में अनटिल अनलेस आपने डिक्लेयर लिख के दिया हो कि भाई मेरी लाइबिलिटी आप अनलिमिटेड कर दो, या कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ पैदा हुई हो, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. अदरवाइज द लाइबिलिटी इज लिमिटेड. ऐसी सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर हम फ्रॉड करेंगे या स्कैम करेंगे कंपनी बंद हो जाएगी ना.
हमारे पर्सनल एसेट्स पे तो कोई अटैक कर ही नहीं सकता. ठीक है अभिषेक, अंजलि? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो ऐसा बहुत, जब ये लॉ बनाया गया, जब कंपनी एक्ट आया गया, तो ये वाली चीज को बहुत अच्छे से एग्जामिन किया गया कि भाई इंडिया में लोग जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं और वो ऐसा कर सकते हैं कि कंपनी को आगे रखें और कंपनी फ्रॉड पर्पस के लिए, स्कैम के लिए या अपने पर्सनल गेन के लिए बनाए, और ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी और सेपरेट लीगल एंटिटी है तो हम पे तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं. तो गवर्नमेंट ने ना स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनाए. स्टैट्यूटरी मतलब जो ऑलरेडी लॉ ड्राफ्ट करता है ना बेटा, उसको स्टैट्यूटरी कहते हैं. एनीथिंग व्हिच इज लीगल, एनीथिंग व्हिच इज ऑलरेडी रिटन ड्राफ्टेड इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी. ठीक है, तो लॉ ने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को डिफाइन किया कि देखो इन इन सिचुएशंस में, जैसे कि इसमें 11 सिचुएशंस गिवन है, आई डोंट नो डिफरेंट बुक्स में ना अलग अलग है, कहीं पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वियल में 4-5 ही गिवन है स्टैट्यूटरी में, और कहीं पे 6-7 गिवन है, कहीं पे 8-10 गिवन है. मैंने वो वाली बुक नोट उठाए हैं या वो वाली बुक उठाई है जिसमें मैक्सिमम गिवन है. ठीक है, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा करें, कम की बात ना करें. ठीक है, ओके. तो उससे ये होगा कि अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो द मोमेंट यू ड्रॉ दिस चार्ट, द मोमेंट यू राइट ऑल दीज प्रोविजंस, आपको मार्क्स मिल जाते हैं कि भाई बच्चे को 11 और 9 20 प्रोविजंस पता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल के, बिंगो फुल मार्क्स. ठीक है, तो इसीलिए मैं मैक्सिमम वाली बात कर रही हूँ. नॉर्मली क्वेश्चन अगर आता है तो अगर 15 मार्क में आए तो पूरा पूछेगा, और अगर 7 मार्क में आ रहा है तो या तो वो स्टैट्यूटरी पूछता है या वो जुडिशियल पूछता है. ठीक है, ओके मैम. ओके मैम. अब हम कह रहे हैं कि ना स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या है, जो मेंबरशिप है अगर वो बिलो मिनिमम चली गई तो हम ये पर्दा उठा देंगे जिसमें तुम अलग और कंपनी अलग है, एंड वी विल मेक यू लायबल. मेक यू लायबल मींस मेक द पीपल लायबल, मेक द मैनेजमेंट लायबल. ठीक है, हम भूल जाएंगे कि तुम अलग और कंपनी अलग है. क्यों? क्योंकि आप कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो. बिलो मिनिमम मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 और पब्लिक लिमिटेड में 7. पलक, क्या ये वाली बात समझ आई? जिन लोगों को पहले समझ नहीं आई थी, क्या ये वाला पॉइंट अब समझ आया? देखो अगर तुम लोग नहीं बताओगे ऑनेस्टली तो मुझे नहीं पता चलेगा बच्चा कि ये कंफ्यूजन है या ये प्रॉब्लम है. यस मैम, समझ आ रहा है. यस मैम. एक्सक्यूज मी मैम. हां बेटा बोलो. एक्सक्यूज मी मैम. मैम मिनिमम 2 है और पब्लिक में 7 है, तो वो पर्सनल लायबल होंगे अगर उन्होंने कोई फ्रॉड या फिर मिसलीड किया है तो. पलक, मैंने कहा कि अगर 7 से बिलो मेंबरशिप चली जाती है और 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको 7 पे नहीं लाते हो तो आपको पर्सनल लायबिलिटी देनी पड़ेगी. ओके मैम, नाउ इट्स क्लियर. ये 7 लोग पर्सनली लायबल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मिनिमम जो है वो 7 से कम नहीं जाना चाहिए या मिनिमम 2 से कम नहीं जाना चाहिए. अगर एक ही इंसान रह गया, मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केस लेते हैं, 2 लोगों से कंपनी शुरू हुई, ठीक है, अब उसमें से एक मर गया, यार मर ही सकता है ना कोई इंसान, तो कभी भी मर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरा इंसान है उसको ये वाले शेयर किसी और को देने पड़ेंगे या किसी और को मेंबर एडमिट करना पड़ेगा. मैम रातों रात तो नहीं कर सकते हम, तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट तुम्हें 6 महीने का टाइम दे रही है ना, लॉ तुम्हें कह रहा है 6 महीने में तो दूसरा मेंबर ढूंढ ले. 6 महीने के अंदर अगर तुमने दूसरा मेंबर ढूंढ लिया तो कोई बात नहीं, अगर ये बिलो मिनिमम 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू रहा तो भाई तुम्हें यू विल बी पर्सनली मेड लायबल फॉर दिस रिड्यूस मेंबरशिप, और कोई भी आपको सू कर सकता है कि भाई हमारे पैसे तुम, ऑब्वियसली जो ड्यू होंगे कंपनी के अगेंस्ट वही, बट दे कैन. ओके मैम. रिदम, आई कैन सी योर आईडी थ्रू 2 नेम्स. रिदम, तुम्हारी 2 आईडी से लॉगिन हुआ हुआ है. यस मैम. बेटा एक ही आईडी से करेगा ना? मैम एक्चुअली फोन से भी लॉग इन था मैंने, एक्चुअली पहले फोन से लॉग इन करा था मैंने, तो अभी मैंने देखा मैं करता हूं. ठीक है. हां जी, कोई और डाउट पूछ रहा था? एक्सक्यूज मी मैम. हां पूछो बेटा. Ma'am, I was asking that you said if the members go below 2, the company would be given 6 months of time to admit a new member. So can't yes. the company go to a conversion in 1-person company? बेटा तू conversion में जा रहा है तो बात ही अलग हो गई ना. आप conversion में नहीं जा रहे हो तभी तो हम statutory minimum की बात कर रहे हैं.
ओके अगर मैम, तुम कन्वर्जन में चले गए तो तुम्हारे को 6 मंथ की जरूरत ही क्या है, कन्वर्जन तो 10 दिन में हो जाएगा, देन तो यू डोंट इवन नीड दिस 6 मंथ्स वाला टाइम। ओके मैम, ठीक है, ओके मैम, और आपको सोचने के लिए भी टाइम दिया जाता है। मान लो कि आप 3 महीने तक कोई मेंबर को ढूंढ रहे हो, तुम्हें कोई नहीं मिला और तुम्हें लगा छोड़ यार मुझे करना ही नहीं है, मैं ओपीसी में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो कोई डिफिकल्ट काम तो है ही नहीं क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो ऑलरेडी हो, बस आपको कन्वर्ट ही तो करना है ओपीसी में, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में मैं ज्यादा बोल रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, लिया बेटा? यस मॉम। अच्छा, सेकंड चीज वो कह रहे हैं कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉस्पेक्टस है, कोई ऐसी चीज है प्रॉस्पेक्टस में जो गलत लिखी हुई है, जो झूठी है, तो उसके लिए भी हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वियर करेंगे। वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वियर टू मेक ऑल दोज पीपल लायबल फॉर इफ यू हैव डन एनी मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, ओके मैम, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि कोई झूठी झूठी बातें लिख दो, जैसे कल विराज कह रहा था कि मैम मान लो कि कोई कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और उसने 2 करोड़ लिख दिया जिससे लोग उस कंपनी के शेयर खरीदे, ऐसा तो बहुत कॉमन होगा ना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ और पता चल गया तो भाई जिसने ऐसा किया है ऑल दोज पीपल विल बी पर्सनली लायबल फॉर द लॉस। हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वियर करेंगे ये जानने के लिए कि कौन है वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम, यहाँ तक क्लियर है बच्चा? किसी को कोई डाउट? यस मैम, नो मैम। ओके, पॉइंट नंबर 3, फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। याद है क्लास 12th में हमने किया था कि शेयर ओवर सब्सक्राइब भी हो जाते हैं कई बार? तो हमें लोगों के पैसे वापस करने पड़ेंगे ना यार, अगर प्रोराटा में जितने हैं उससे ज्यादा आ गए हैं हमारे पास, सो वी हैव टू रिटर्न दैट एप्लीकेशन मनी। सो वी हैव टू रिटर्न दैट एप्लीकेशन मनी। इफ यू डोंट रिटर्न दैट देन दे विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वियर एंड मेक यू पर्सनली लायबल। मेक यू मींस ऑब्वियसली द मैनेजमेंट एंड पीपल हु आर इन्वॉल्वड। ठीक है, यस मैम, यस मैम। देन होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी के केस में, अगर आप होल्डिंग कंपनी हो किसी कंपनी की या सब्सिडी कंपनी हो, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई ये मेरी होल्डिंग कंपनी है या ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है, आपको ये रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वियर करेंगे ये जानने के लिए कि इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन है। ठीक ओके है, मैम, मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वियर कोई ऐसा नहीं है कि लोग जाते हैं और धप्पा करते हैं, अच्छा हम आ गए, ऐसा नहीं है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वियर मींस कि देखो आरओसी हर रोज तो ट्रैक करता नहीं है और आरओसी को वही इंफॉर्मेशन मिलती है जो आप देते हो। ठीक है, अब आरओसी जो है उसको पता चलता है कि भाई कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो गलत है, अपडेटेड नहीं है, झूठी है, या आरओसी बता नहीं रहा है कुछ भी, तो ऐसी सिचुएशन में आरओसी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे लिफ्ट द कॉर्पोरेट वियर। ठीक है, दे हैव टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वियर टू नो हु इज द पर्सन बिहाइंड दिस, कि आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताई और कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन सी है, सब्सिडरी कंपनी कौन सी है। ठीक है, यस मैम, यस मैम। अब फिर आता है फैसिलिटेटिंग द टास्क ऑफ एन इंस्पेक्टर। मान लो कि किसी ने कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन कर दी आरओसी को या सेबी को कंप्लेन कर दी कि भाई ये यहाँ कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उन्होंने ना एक इंस्पेक्टर को भेज दिया कि जाओ जाके देख कर आओ कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को, जब जैसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पे छापा पड़ता है सारी चीजें अपने आप बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तुमने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी कि भाई रेड पड़ी है, तो रेड इनकम टैक्स की हो जरूरी नहीं है, इट कैन बी आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट सारी चीजें सीज हो जाती हैं एंड दे गेट टू नो कि ट्रांजैक्शंस कहां से हो रहे हैं, चीजें कहां से आ रही हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं।
ठीक है, और अगर आपने उस इंस्पेक्टर को सपोर्ट नहीं किया, उस इंस्पेक्टर को जो भी मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स आपने उसे नहीं दिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा कि भाई कौन है जो हमें रोक रहा है. यू हैव टू सपोर्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है आपको देने पड़ेंगे. ठीक है, ओके मैम. यस मैम. मैं दोबारा बोल रही हूँ, देखो हम ये टॉपिक दोबारा कर रहे हैं, अगर अब भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछो. इट्स क्लियर मैम. ओके ओके. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी. कई बार ऐसा होता है बेटा कि ना, जैसे जितने भी डॉन्स हैं या जितने भी मिनिस्टर्स हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं ना, ये डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, वरना क्वेश्चन हो जाएगा कि अच्छा दाऊद इब्राहिम की कंपनी है, दाऊद इब्राहिम ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, छोटा शकील ने कर रखा है, या जितने भी अंडरवर्ल्ड के डॉन्स है ना या लोग हैं, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में. यार कमाने का तरीका तो इनको भी चाहिए ना, वसूली से कितना कमा लेंगे. They also want to invest in a company and they also want to earn, but ये directly खुद नहीं करते पलक, ये क्या करेंगे, किसी और के नाम से पैसे लगाते हैं. ठीक है, तो कई बार lifting of corporate veil होता है कि भाई जिन लोगों के नाम से शेयर खरीदे गए हैं, actually उनकी इतनी income है भी कि वो शेयर खरीद पाए. मतलब एक इंसान है, जैसे मैं तुम्हें एक दो कंपनी की केस बताऊंगी कि शेयर जो है वो एक ऐसे इंसान के नाम पे है जो कि माली का काम करता है. भाई माली ने 1 करोड़ के शेयर कैसे खरीद लिए? How is that possible? ड्राइवर के नाम पे 10 लाख के 20 लाख के शेयर कैसे हो सकते हैं? तो भाई वो 10 लाख रुपए उसके पास कहां से आए? वो 10 लाख रुपए उसको ऑब्वियसली उस मिनिस्टर ने दिए थे कि भाई तू शेयर खरीद, ये शेयर तेरे पास होंगे, तेरे नाम पे होंगे, लेकिन इसको कंट्रोल मैं करूंगा, इस कंपनी को कंट्रोल मैं करूंगा. ठीक है, क्योंकि माली बेचारा तो इलिटरेट है, उसे तो पता ही नहीं है कि कंपनी उसके नाम पे चल रही है या उसके नाम पे इतने शेयर्स हैं. ठीक है, यस मैम. यस मैम. देन अगर कंपनी कोई फ्रॉडुलेंट काम कर रही है और सेवी को, आरओसी को या किसी को भी इसके बारे में पता चल जाता है, तो वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करते हैं कि देखो कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी को क्या पता क्या हो रहा है. ठीक है, साइन कौन करता है उसके बिहाफ पे? डायरेक्टर्स करते हैं. तो भाई ये फ्रॉड डायरेक्टर भी कर रहे हैं ना, कंपनी थोड़ी कर रही है. तो भाई जो भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनको लायबल करो और कंपनी को छोड़ो. ठीक है, अगर डायरेक्टर खुद लिख दे कि भाई एक रिटर्न एग्रीमेंट दे दे कि मेरी लायबिलिटी आप अनलिमिटेड कर दो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर तुम खुद लिख कर दे रहे हो कि मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दो, तो जब लॉस होगा तो तुम ही पैसे दोगे ना. तुमने तो खुद लिखा था कि तुम्हारी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दे, तो लाओ दो पैसे. ठीक है, यस मैम. देन यस मैम. अगर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम कल कर रहे थे, अगर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपनी अडॉप्ट नहीं करती है, ठीक है, कंपनी को लगता है कि ये तो कंपनी के फायदे के लिए नहीं है, या प्रमोटर ने जानबूझ के किया है, ऐसी सिचुएशन में प्रमोटर बिकम्स पर्सनली लायबल फॉर ऑल द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट अडॉप्टेड बाय द कंपनी. Which are adopted, fair enough. Company will take care of them. Those contracts which are not adopted by the company, the promoter will become liable for all those contracts. And lifting of corporate veil is done to know who is the promoter and why he is not paying for these pre-incorporation contracts. ठीक है? Yes, ma'am. अभिषेक, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि कोई धप्पा नहीं करता है कि धप्पा मेरे को पता चल गया प्रमोटर कौन है, या ऐसे नहीं होता कि एक्चुअली लिटरली जाके हम पर्दा उठा रहे हैं या घूंघट उठा रहे हैं. इट्स जस्ट दैट कि पीपल डोंट नो. कंपनी जब बनती है तो कंपनी का नाम बता दिया, कंपनी के प्रमोटर्स बता दिए, अब पता थोड़ी ना कंपनी कौन मैनेज कर रहा है, कौन ट्रैक रखता है. लाखों कंपनीज है इंडिया में, करोड़ों कंपनीज है, कौन ट्रैक रखेगा बेटा? यस राइट. तो ऐसी सिचुएशन में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल तभी होता है जब कोई कंप्लेन आती है या जब कोई चीज सस्पिशियस लगती है, वो आरओसी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने आप भी लग सकती है, या फिर कोई कंप्लेन करे तो भी हो सकता है. अदरवाइज आरओसी बैठ के इतना वेलना नहीं है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करता रहे.
बट ये पढ़ाना और ये होता इसलिए है कि भाई तुम ये मत सोचो कि तुम प्रमोटर बन गए और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कभी होगा ही नहीं, या तुम अमर हो गए. अमर अमर कुछ नहीं हुए तुम. अगर कोई गलती करोगे, स्कैम करोगे, तो भाई कंपनी लॉ में तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा. ठीक है? यस ओके मैम. यस मैम. यस मैम. अब वो कह रहे हैं कि अगर डायरेक्टर्स ने कोई ऐसा काम किया जो उनके पावर्स में नहीं है, विच इज बियॉन्ड दैट पावर, अगर ऐसा वो कोई काम करते हैं तो देन द डायरेक्टर्स आर पनिशेबल एंड दे विल बी पर्सनली लायबल टू ऑल द पीपल फॉर वेयर दे हैव एक्सटेंडेड देयर अथॉरिटी. मैम दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंड ऑफ द अथॉरिटी. हां जी मैम, एक्चुअली द डायरेक्टर लायबल अप टू द एक्सटेंड वेयर दे हैव एक्सीडेड द अथॉरिटी. या अगर वो ऐसा चीज है जिसमें उन अथॉरिटी मिली ही नहीं है तो सारे के लिए लायबल है. अगर जितने से ज्यादा उनने अपनी अथॉरिटी इंक्रीज की है उतने के लिए लायबल है. मान लो कोई कंपनी कहती है कि हम तो सिर्फ 2 करोड़ के लोन तक को सैंक्शन करते हैं, डायरेक्टर ने पर्सनली अपने उस पे पावर यूज करके 4 करोड़ का लोन ले लिया, तो भाई 2 करोड़ के लिए तो डायरेक्टर लायबल है. कंपनी कहती है मैं 2 करोड़ के लिए लायबल हूँ. यस मैम. ठीक है. अब कई ऐसी चीजें हैं जो ना जब केसेस हुए तब पता चली कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन में भी हमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करना पड़ेगा. उसको हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहते हैं. ठीक है. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इज नथिंग. इट इज वी नेवर थॉट कि ऐसी सिचुएशन में भी हमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करना पड़ेगा. जब केसेस हुए तब पता चला अरे यार इसको तो हमने अकोमोडेट ही नहीं किया था, या इसको तो हमने तो सोचा ही नहीं था. तो दीज आर द केसेस आर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है. कंपनी का डायरेक्टर कैरेक्टर जानना है हमें. ठीक है. कि कंपनी का कैरेक्टर क्या है. ठीक है. कंपनी जो है वो किसको बिलोंग करती है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की कंपनी है या चाइना की कंपनी है और इंडिया में छुपके काम कर रही है, या इंडिया में इंडिया की इंडियन कंपनी बन के काम कर रही है. वी वॉन्ट टू नो द रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है. यस मैम. कई बार कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करता है आरओसी. मान लो कि कंपनी कोई टैक्स बचाने के लिए घपला दिखा रही है. मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि ये वाली चीजें आप आउट ऑफ इंडिया से मंगवाओगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी. तो बड़ी सारी कंपनियां बड़ी स्मार्ट हैं, वो पार्ट तो मंगवाती हैं लेकिन उसे अनअसेंबल मंगाती हैं और इंडिया में असेंबल कर लेती हैं. ठीक है. तो अगर वो ऐसा कर रही हैं और पता चल गया तो भाई दे कैन आस्क यू टू पे द ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ऑन द सेम. बट अगर अलग अलग लाना अलाउड है और उस पर टैक्स नहीं है तो भाई वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना. लूपहोल का फायदा तो कंपनी उठाएगी. यस मैम. अगर कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है, इम्प्रॉपर कंडक्ट कर रही है, या क्रेडिटर्स को फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा. अगर वो कोई लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए कर रही है जो कि वेलफेयर फॉर द यू नो कॉमन पब्लिक वेलफेयर है या वर्कमैन का बेनिफिट है, उसको इग्नोर करना चाहती है, तो भी वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेंगे. ठीक है. अगर उन्होंने कंपनी को इस तरह से बनाया है कि भाई तुम मेरी एजेंट की तरह काम करोगी, भाई अगर सब्सिडियरी कंपनी में मेरा स्टेक है तो क्या वो मेरी नौकर थोड़ी हो जाती है, या वो मेरे लिए मेरी एजेंट की तरह काम थोड़ी ना करेगी. सब्सिडियरी कंपनी की भी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ही ना. यस मैम. Yes, तो भाई आपको वैसे यूज नहीं कर सकते. अगर आप कर रहे हो तो हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके आपको लायबल कर देंगे. ठीक है. जहाँ पे कंपनी सिर्फ एक पेपर कंपनी है, मतलब सिर्फ नाम के लिए बनाई गई है, बस पेपर कंपनी है, पेपर पे उसका नाम है, पेपर पे उसके एसेट्स हैं, एक्चुअली काम कर ही नहीं रही है, ठीक है, तो भी ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा. अगर कंपनी किसी इलीगल काम के लिए या कोई इम्प्रॉपर पर्पस उसके लिए बनाई गई है तो भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर देते हैं. अगर कंपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं रखती तो भी हम कर देते हैं. जैसे कि एक केस हुआ था, उसमें टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा टेंडर निकला कि भाई टेलीकम्युनिकेशन के लिए बताइए, आइए आप टेंडर भरिए. जिसको भी जो भी टेंडर भरेगा उसके पास ऑब्वियसली इंजीनियर्स होने चाहिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, तभी आप वो भर सकते हो. ठीक है. एक कंपनी NH न्यू होराइजन लिमिटेड ने ना इसका वो करा, टेंडर भरा, लेकिन उनके पास एक्चुअली कॉम्पिटेंसी नहीं थी, वो ही नहीं थे, लोग ही नहीं थे जो ये काम कर पाए.
ठीक है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी नहीं थी, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हुआ ये जानने के लिए कि भाई तुम टेंडर भर रहे हो, तुम टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो ये काम करने के लिए. तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वॉज डन टू नो दैट वेदर द कंपनी हु हैज गॉट द हु हैज बैग्ड दिस टेंडर एक्चुअली इट इज टेक्निकली लीगली कॉम्पिटेंट और नॉट. ठीक है, yes, ma'am. And that completes your, हाँ बोलो. मैम वो जो कंपनी थी अगर एक बार टेंडर रिसीव हो जाता है कंपनी को तो वो बाद में क्या इंजीनियर हायर नहीं कर सकती? बेटा जब आप कोई टेंडर भरते हो तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसी वक्त करते हो या बाद में पूरा कर सकते हो? मैम एट द टाइम ऑफ फिलिंग द टेंडर. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जब आप परसेंटेज के लिए आते हो या आपसे हम एज पूछते हैं ना, आप ड्यू में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी एज क्या है, आप इतने इतने इस डेट तक 18 के हो जाने चाहिए हो, रिमेम्बर? तो वही सेम बात है ना, जब आप टेंडर भर रहे हो आपके पास नहीं है, क्यों भाई? आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो फॉलो ही नहीं कर रहे थे. ओके मैम, ठीक है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज लुक्ड अप व्हेन वी गो फॉर सर्टेन थिंग, व्हेन वी साइन, नॉट आफ्टर. ठीक है, यस मैम. आप बताओ और कोई डाउट, एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर इन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील नाउ? मैम एक बार जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बेसिक डेफिनेशन बता दो. बेटा जब एक सेकंड रुको, हाँ जी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन है बेटा कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मींस कि लॉ ने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे, और जब केसेस हुए ना तो हमें लगा कि अरे यार इसके लिए भी तो हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो सकता है, इसके लिए भी तो हो सकता है, हमने सोचा नहीं था बेटा. तो एनीथिंग विच वी डिड नॉट थिंक अबाउट एंड लेटर ऑन इट इमर्ज्ड, इट इज ऑल स्टैट्यूटरी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. Ma'am, that means judicial interpretation is uncertain in itself. No, judicial interpretation means anything which came up because of the case law. Example, मैंने तुम्हें कहा 10 बजे के बाद तुम हॉस्टल में वापस नहीं आ सकते, तुम 8 बजे चले गए. अब मैंने तो अपने अपने रूल बुक में 10 o'clock लिखा था ना, तो मुझे अपनी रूल बुक चेंज करनी पड़ेगी ना, और लिखना पड़ेगा ना कि आप 10 बजे के बाद बाहर जाओगे नहीं, 10 बजे के बाद वापस भी नहीं आओगे बाहर से. I have to change this. How do I got to know कि मुझे ये change करना पड़ेगा? I'm actually when we hello. क्या बेटा? Man, when we disregard or break the law or rules. नहीं बेटा, मुझे तब पता चला जब कोई केस ऐसा आया, जब ऐसी कोई सिचुएशन सामने आई. तो जब सिचुएशंस मैंने इंटरप्रिटेट नहीं की होती, एनालाइज नहीं की होती और वो आती हैं, तो उसे हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहते हैं. मतलब ये सारी सिचुएशंस जो हैं, इसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील तब हुआ जब कोर्ट के सामने ऐसा कोई केस आया. मैं एक तुम्हें कह रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये चीजें फ्रॉड है. तुमने कहा ठीक है, तुमने 9th चीज करी, एक्चुअली वो फ्रॉड है लेकिन पहले 8 में मेंशन नहीं थी. तो जो 9th चीज है ना वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है. जब केस लॉज हुए तब पता चला कि इन इन सिचुएशन में भी हमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करना पड़ेगा, ये हमने सोचा नहीं था. ठीक है, यस मैम. बेटा डोरमेंट कंपनी मतलब स्लीपिंग कंपनी होता है, जो सो रही होती है, बट इट इज नॉट अ शैम और अ क्लॉक कंपनी या शेल कंपनी नहीं होती. क्यों? शेल कंपनी पेपर कंपनी होती है, डोरमेंट कंपनी इज अ स्लीपिंग ब्यूटी.
थोड़े टाइम के लिए सोती है और परमिशन लेकर सोती है, और अगर परमिशन नहीं ली है तो ऐसी सिचुएशन में 3 साल तक आरओसी आपका वेट करेगा, उसके बाद आपका नाम फाड़ के फेंक देगा। ठीक है, बट इट इज डेफिनेटली नॉट अ शेल कंपनी रुद्र, इट इज नॉट अ शेल कंपनी, ये पेपर कंपनी नहीं है, ये कंपनी है जिसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अभी होल्ड ऑन पे है और आपने परमिशन ली है आरओसी से कि भाई अभी मैं काम नहीं कर रहा, मुझे 2-3 साल का गैप लेना है और आप इस कंपनी को डॉर्मेंट स्टेटस पे डाल दो, मतलब स्लीपिंग स्टेटस पे डाल दो। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम जस्ट अ क्वेश्चन, लाइक आपने बोला कि जो डॉर्मेंट कंपनी है वो 3 साल का टाइम देती है आरओसी को, डॉर्मेंट कंपनी को। हाँ जी। To be active, right? तो अगर मान लो active नहीं होती तो फिर share holders का पैसा, मतलब who will return or what will happen then? नहीं नहीं बेटा, dormant status ऐसे थोड़ी मिलता है, share holders permission देते हैं तभी तो हम ROC के पास वो dormant status file कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डर ने परमिशन ही नहीं दी कि हम तो डॉर्मेंट स्टेटस में नहीं जाना चाहते तो कंपनी डॉर्मेंट स्टेटस में जा ही नहीं सकती, तो तुझसे पूछे बिना कंपनी डॉर्मेंट स्टेटस में जा सकती है अगर तू शेयर होल्डर है? नो मैम। अगर आप जाने दोगे तभी जाएगी ना। हाँ बस ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलो, मीट यू टुमारो, सी यू गाइस टुमारो, एंड आई विल शो यू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच। यस, टुमारो आपको कॉन्टैक्ट किया। थैंक यू, थैंक यू मैम।